हेलो गाइस, वेल्थ एक्सरेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल कल यानी कि 13 जुलाई 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। उससे पहले 12 जुलाई को जो ट्रेड दिया तो उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। शांति गेयर दिया था 460, बायोन डिप बोला था, आज का लो 460 का ही था, तो वहां से स्टॉक ने 464 पे क्लोजिंग दिया है। रनिंग है तो रनिंग का ये मतलब नहीं है गाइज, आपको भी पता है, कल के वीडियो में भी आपने बोला था एक स्टॉक रनिंग में था, स्टॉक का नाम था एचपीएल, जो परसों आपने दिया था, परसों रिकॉर्डिंग यानी कि कल का ही स्टॉक था एचपीएल। आपको पता है 171 वाला स्टॉक आज 186 भी चला गया। क्यों गया? क्योंकि वो रनिंग में रहता है तो आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में ही निकल जाते हैं, लेकिन अपना जो टाइम पीरियड दिया वो उतना तो आपको होल्ड करके रखना ही पड़ेगा। तो ये भी शांति के रनिंग है जो टारगेट दिया, अगर किसी को देखना है तो कल का वीडियो देख सकते हो। आरएमएल 690 के ऊपर बाय बोला था, 696 अभी क्लोज है, स्टॉक 708 भी गया था। क्योंकि क्यों गया था, अपना जो प्रॉपर लेवल होता है कि डिमांड जोन, वहां से स्टॉक ने रिवर्स मारा था, 696 पे अभी रनिंग है। आईटीडी सीमेंटेशन बोला था कि वो स्टॉक अभी फटने के लिए यानी कि वहां से ब्लास्ट होने के लिए रेडी है, एक या दो दिन में बड़ी मूवमेंट इस स्टॉक में आ सकती है, तो आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल होपफुली ये स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओपन प्राइस अपने बोला था कि बाय करना है, अभी 169 के आसपास है। और नेटको फार्मा बाय एंड डिप बोला था, लेकिन वहां तक स्टॉक गया ही नहीं था, इसीलिए नॉट एक्टिव है। तो आप देखोगे गाइस कि मार्केट में गिरावट आने के बावजूद अपने जो लेवल देते हैं वहां से स्टॉक अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, वो लेवल को वहां से रिवर्स मारते ही मारते में 80% चांस होता है और 20% स्टॉप लॉस होते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो स्टॉप लॉस हो जाए तो भी आप मार्केट से इजीली पैसे कमा सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे कि नेल्को, आपको पता होगा कल 716 पे दिया था, वो स्टॉक 826 और उसके ऊपर भी आज चला गया। तो वहां पे आप देखोगे तो अपना रिस्क कितना था, सिर्फ 16 रुपीज का था, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते तो वहां से आपको कितना गेन मिलता है, 120-130 रुपीज का भी गेन मिल सकता है। तो गाइज आपको मार्केट में यही करना है, बड़े बड़े प्रॉफिट लेने की आदत डालनी है और स्टॉप लॉस को छोटे करते रहना है। और जितना हो सके अगर अपने फेवर में कोई स्टॉक जाता है तो आपको क्या करना है, ट्रेल करते जाना है। तो गाइज अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे करते हैं, पोजीशन साइज मेन होती है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बिना अगर आपकी एक्यूरेसी 70-80% भी रहेगी तो भी आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, 10-12 ट्रेड के बाद आप लॉस में ही होगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइज बहुत जरूरी है, और कोई भी ट्रेड देने के बाद फॉलोअप भी जरूरी है कि आपको होल्ड रखना है, ट्रेल करना है कि नहीं करना है, वो सब आपको जरूरी है। तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको सिर्फ नॉमिनल चार्ज में ये सब सीखने को भी मिलेगा और आपको भी पता चलेगा कि रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका अच्छा है तो 50% एक्यूरेसी भी से आप मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे पिन मैसेज में जाके ये सब डिटेल मिल जाएगी, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा जो आपको कल बाय करना है। पहला स्टॉक का नाम रहेगा हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो आपको क्यों बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 घंटे की कैंडल के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम रहेगा हिंद पेट्रो। तो बाय करने का गाइज आपको भी पता है, अपने प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से जाते हैं और अपना सेटअप सिंपल सा होता है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको इजीली पता चल गया होगा। अपने सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाय एंड डिप विद एडीएक्स, वो सब भी यूज करते हैं। तो आपको बहुत इजी चार्ट सेटअप जितना रखोगे उतना आपको क्लियर चार्ट पैटर्न दिखेगा और वहां से आपको पता चलेगा कि इसके बाद स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है। रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो स्टॉक ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, उसके बाद नीचे आया और फाइनली ब्रेकआउट बड़ी सी कैंडल देके गया और उसके बाद देखोगे तो स्टॉक बैक टू बैक गिर रहा है। तो आप इसको फॉलिंग वेज पैटर्न भी बोल सकते हो और उसके बाद देखोगे तो इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो ऊपर की साइड फिर से अच्छी रैली आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक का क्या था, सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन के बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे डिमांड जोन बनाया और स्टॉक आज देखोगे तो उसके आसपास ही क्लोज दिया है। तो पहला रीजन की स्टॉक डिमांड जोन से रिवर्स मार सकता है। दूसरा रीजन आपको ध्यान से देखोगे तो क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, एक बार सपोर्ट है, दूसरी बार सपोर्ट है और स्टॉक ने आज तीसरी बार भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। तो अभी आपको करना क्या है, ये पिछली 15 मिनट की कैंडल होती है, इसीलिए अपने एक कैंडल का हाई नोट करेंगे और एक कैंडल का जो भी मैक्सिमम लो होगा वो अपने नोट कर लेंगे। तो हाई कौन सा है, ये वाला हाई है और एक कैंडल का लो आपको पता चल गया। तो अभी आपको स्टॉक को करना क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो अभी सीएमपी कितना है, 294 के आसपास है। तो आपको ये स्टॉक को ये जो रिटेस्ट कैंडल बोलोगे उसके हाई के ऊपर स्टॉक जाता है तो फिर से अच्छी रैली ऊपर की साइड दिखा सकता है, प्रीवियस में जो हाई मारे वहां तक स्टॉक जा सकता है।
आपको 294 के ऊपर ही बाय करना है, 290 का स्टॉप लॉस लगाना है, 304 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर स्टॉक पहले नीचे का लेवल ब्रेक कर देता है 290 के नीचे, तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अपना पहला स्टॉक है जो आपको कल बाय करना है, 294 के ऊपर बाय करना है। सेम पैटर्न आप देखोगे तो आरएमएल में कल बना था और कल अपने वीडियो में भी बोला था, ये अभी बाय रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कल का है तो वो ध्यान में रखना है। डेली चार्ट में आरएमएल आता है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, सेम पैटर्न था आप ध्यान से देखोगे तो। लेकिन वो 2 घंटे में, डेली में पैटर्न तो एक जैसा ही काम करता है, वो चाहे 2 घंटे हो या 5 मिनट हो, सेम पैटर्न सेम जैसा ही काम करता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये रिजेक्शन था, ब्रेकआउट देके ऊपर गया, स्टॉक ने नीचे कहाँ पे गिरा, डिमांड जोन और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही गिरा। और वहां से देखोगे तो कल के वीडियो में क्लियर कट बोला था कि बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन सकती है, और आज देखोगे तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। अभी कल भी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन के प्रीवियस में जो हाई था वहां तक स्टॉक आराम से जा सकता है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करती है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे पैटर्न के बाद स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस देता है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है अंबर एंटरप्राइज। ये स्टॉक को आपको बाय करना है डेली चार्ट के ऊपर, स्टॉक का नाम है अंबर, बाय करने का सेम रीजन है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा था, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया। आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे तो ये जो आपका सप्लाई जोन था वो पूरा डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया, और स्टॉक बार बार देखोगे तो डिमांड जोन में आके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, और उसको अभी नीचे से एक बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, दूसरी बार ये, तो 2 बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है और ऊपर की साइड फिर से जा सकता है। अभी 2230 है तो आपको कल ओपन प्राइस पे बाय करना है, 2170 का स्टॉप लॉस लगा के। फिर से स्टॉक 2350 के लेवल 1 से 3 दिन में ही दिखा सकता है, लेकिन आपको ओपन प्राइस पे बाय करना है। अगर ओपन प्राइस आज की क्लोजिंग प्राइस से 1% से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, वो अपनी रेंज में आए तभी बाय करना है। समझो कि स्टॉक 2230 पे कल सीधा 2300 पे ओपन होता है तो आपको इसको इग्नोर करना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया अंबर एंटरप्राइज जो आपको बाय करना है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है थॉमस कुक। थॉमस कुक को आपको बाय करना है, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम रहेगा थॉमस कुक। बाय करने का सेम रीजन है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, यानी कि ये स्टॉक का पूरा सप्लाई जोन हो गया। उसके बाद स्टॉक ने देखोगे तो ब्रेकआउट दिया है, आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे तो ब्रेकआउट के बाद क्या हो जाता है, पूरा सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बार बार स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और अभी नीचे से भी आप डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक बार सपोर्ट आ रहा है, दूसरी बार सपोर्ट आ रहा है, और तीसरी बार आ रहा है। आपको जब भी बोला है, पहले भी बोला है कि जब भी कोई स्टॉक ट्रेंड लाइन को तीसरी बार सपोर्ट लेता है तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का काम करता है, सपोर्ट एरिया का काम करता है, और ऐसे स्टॉक बाउंस बैक आके ये लेवल दिखा सकता है। तो अभी सीएमपी 76 के आसपास है तो आपको ये स्टॉक को कल 76.5 पे बाय करना है, 73.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट बहुत बढ़िया है, 82 के टारगेट, लेकिन टाइम पीरियड आपको 1 से 10 दिन लग सकते हैं। तो आप में इतना पेशेंस है तभी ये स्टॉक आपको बाय करना है, 1 से 10 दिन में ये स्टॉक 82 के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन हल्का सा गिरावट पे बाय करोगे तो आपका ₹3 का रिस्क रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। 76.5 पे बाय करना है, स्टॉक का नाम है थॉमस कुक। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है बीएससी। बीएससी को आपको बाय करना है, उसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं 15 मिनट, देखो गाइस मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, डेली में भी करता हूँ, वीकली में भी करता हूँ, सब जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ, और कोई अच्छा चार्ट पैटर्न ढूंढने का ट्राई करता हूँ, और जहाँ पे मुझे मिलता है वहां से आपको देता हूँ। तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना कि मैं कौन से कहाँ पे टाइम फ्रेम में दे रहा हूँ, आपको चार्ट पैटर्न सीखने का ट्राई करना है। अभी जैसा कि ये 15 मिनट में अगर ये डेली में भी ऐसा सेम बनेगा तो भी काम एक जैसा ही करेगा, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग होता है तो आपका होल्डिंग पीरियड भी अलग हो जाता है और उसका टारगेट भी चेंज हो जाता है। तो बीएससी स्टॉक का नाम है, ये पैटर्न का नाम है फॉलिंग वेज पैटर्न और बाय एंड डिप विद एडीएक्स। फॉलिंग वेज पैटर्न एक ऐसी पैटर्न है जो अप ट्रेंड में बनती है, और वहां से स्टॉक अगर रिवर्स मारता है तो बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड आती है। तो आप देखोगे तो स्टॉक ने, आप इसको फ्लैग पैटर्न जैसा भी बोल सकते हो, स्टॉक अभी ये चैनल में फंसा हुआ है, तो स्टॉक कैसे ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी रैली आ सकती है। तो अभी और दूसरा रीजन है बाय एंड डिप विद एडीएक्स। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा बाय एंड डिप विद एडीएक्स होता क्या है, तो ये मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाके देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाए।
तो बायोनिफ्टी विद ईडीएक्स से अपने को ये पता चलता है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक ही गिर सकता है या से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन अपने एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए रिवर्सल का वेट करेंगे। ऊपर से जो डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है उसका रिजेक्शन कैंडल ये है, उसके हाई के ऊपर जाएगा तो तभी स्टॉक अपने बाय करेंगे और ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपको दो लेवल दे दिए, पहला लेवल है 763 का और 750 का, स्टॉक दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए और 763 का लेवल पहले क्रॉस करना चाहिए। तो अभी स्टॉक का सीएमपी 755 है तो 763 के ऊपर बाय करना है, 750 का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट 800 के 1 से 3 दिन में आ सकते हैं, बहुत हाई मोमेंटम स्टॉक है तो आराम से मे बी कल ही टारगेट अचीव हो जाए, लेकिन कंडीशनल बाइंग है, 763 के ऊपर जाएगा तभी आपको इस स्टॉक को बाय करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना था, चार स्टॉक बताए, चारों स्टॉक बहुत बढ़िया है लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो वहां से एग्जिट भी करना है। गाइज थैंक यू वेरी मच, गाइज बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में। और गाइज आज की वीडियो का लाइक का टारगेट है 150, 150 लाइक गाइज प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 150 लाइक आज की वीडियो को करा देना, जितने भी देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना गाइज, थैंक यू वेरी मच। और जितना लाइक ज्यादा आएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूंगा गाइज, तो थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, सब डिटेल मिल जाएगी, तो वहां जाकर मैसेज कर सकते हो गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।